Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the subject of economics, and we are going to discuss about two important modules. So economics ka jo video hai wo do parts mein main divide karne wala hu. First part mein aapko do modules ke upar hum discuss karenge, aur second part mein third aur fourth module ke upar hum discussion karenge. सो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो देर आर टोटल फोर मॉड्यूल्स, और ये फोर मॉड्यूल्स में अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल को देखें तो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया. तो इस मॉड्यूल से विच क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, कौन से क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ. तो बेसिकली अगर हम पहला पॉइंट देखें, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ इंडिया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दैट इज 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था, LPG का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो बेसिकली ये जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया है उसका आपको एक ओवरव्यू लेना है. तो पहले आप 1991 के पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो जिसमें LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ऐसे तीन कंसेप्ट कवर होते हैं. फिर अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इस चैप्टर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेफरेंस टू एजुकेशन है, हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर है, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है. मतलब यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स लिए थे फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन, फॉर हेल्थ रिलेटेड मेजर्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस ओवरऑल मॉड्यूल में देखने मिलेंगे. विद दैट आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो उसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो SDGs गोल बनाए गए हैं, पॉलिसी मेजर्स क्या है. फिर एक मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लाया था, तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिलेटेड टू दैट. तो मेक इन इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के रखें, बिकॉज वो भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि कोर्स बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, आगे स्लाइड्स में दिया हुआ है कि बेसिकली विच क्वेश्चंस विल बी एक्सपेक्टेड, बट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि आपको मॉड्यूल नंबर वन में से किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. फिर एक पॉइंट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर, जिसमें FDI कवर होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक बोर्ड एस्टैब्लिश किया है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. वो बेसिकली रिलेट करता है रिलेट विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फिर MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, उनके रोल के बारे में भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू इस चैप्टर से रिलेटेड लेना पड़ेगा. सो अगर हम इस पूरे मॉड्यूल की बात करें तो यूजुअली दो से तीन पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एक तो आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर होगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होगा, एक FDI के ऊपर होगा. अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो नंबर वन, इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यू टू NEP 1991, वो आपको पढ़ना है ध्यान से. नंबर सेकंड आपको पढ़ना है रोल, पॉलिसी और मेजर्स टू प्रमोट एजुकेशन एंड हेल्थ. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा कि क्या रोल है, क्या पॉलिसी लाए हैं, क्या गवर्नमेंट ने नए नए मेजर्स लिए हैं प्रमोशन करने के लिए, एजुकेशन के लिए. जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है, तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मेजर्स आते होते हैं. तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको ये क्वेश्चन नंबर टू में पढ़ना पड़ेगा, उस बेस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो जाएगा. थर्ड पार्ट जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, दैट इज SDGs के बारे में भी आपको पढ़ना है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो SDGs को ध्यान से पढ़े, बिकॉज SDGs और पॉलिसी मेजर्स रिलेटेड टू द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज कंसर्न. तो टोटल 17 SDGs गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो वो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करने का टारगेट रखा था उन्होंने 2030 तक. फिर मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ना है आपको और FDI के बारे में पढ़ना है. ये आपके मॉड्यूल नंबर वन की बात है जो आपको इतने क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. मॉड्यूल नंबर टू की अगर हम बात करें तो दैट इज एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. तो इसमें आपको कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है वो भी बता रहा हूँ. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फोकस करना है नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज रिपीटेड एवरी ईयर. कभी फीचर्स पूछते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, कभी इम्प्लीकेशंस पूछते हैं. तो आपको तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ के रखनी है, बिकॉज ये हर साल पेपर में आया गया है.
फिर बेसिकली एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उस बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पॉलिसीज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पढ़ना है इन इंडिया, नाबार्ड के बारे में पढ़ना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर हम ये मॉड्यूल नंबर टू की बात करें तो मॉड्यूल नंबर टू सिंस बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर मॉड्यूल, तो इसमें तीन पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर वन इज नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, नंबर सेकेंड इज एग्रीकल्चरल प्राइसिंग एंड फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन, एंड नंबर थर्ड इज एग्रीकल्चरल का जो मार्केटिंग होता है उस बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही थे मॉड्यूल नंबर वन एंड मॉड्यूल नंबर टू से रिलेटेड। आप इतनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल पे दो मॉडल पेपर्स ऑलरेडी सेंड किए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो वो मॉडल पेपर को ध्यान से देखें, वो मॉडल पेपर को भी प्रॉपरली पढ़े, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।